के 1947 कॉन्फेडरेशन जो पीछे हमारी नई मुनक्कद हुई है, नई एस्टेब्लिश हुई है, उसके संबंध में आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है उसका मेन मकसद ये है कि हमारे पार्लियामेंट में 4 तारीख कल ही एक अपना सेशन मुनक्कद किया गया है, इंट्रोड्यूस, उसमें हमारा बिल इंट्रोड्यूस किया गया है शरणार्थी की रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे जगजीत सिंह ने कहा कि दो बिल हैं, अपना दो तरह के बिल हैं, एक तो कश्मीरी पंडित ब्रदर को, भाइयों को 2 सीटें दी गई हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें खुशी है, 2 की जगह 4 दें हमें कोई खुशी नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शन की जो हमारी आबादी है उसके मुताबिक दें हमें, क्योंकि हमारी आबादी इस वक्त 16 लाख से क्रॉस कर गई है और पंडित भाई जो है तकरीबन 1.5 लाख के करीब हैं, तो हमारी जो 25 सीटें POJK में उन्होंने सुरक्षित की थी, फ्रीज की थी, उसमें कम से कम 1/3 जो आबादी है वो इस तरफ आ गई है पाकिस्तान POJK से। हम अपनी खुशी से नहीं आए, लेकिन वो जर्मनों की वजह से, पाकिस्तान आर्मी की वजह से अटैक किया उन्होंने रातों रात, तो हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। तो उस हिसाब से हमारी सीटें बनती हैं, 10 या 12 सीटें हमारी बनती हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई प्रॉब्लम है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान को एक टेरिटरी डिस्प्यूट है, तो हम कहते हैं कि नॉमिनेशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ करता है उनको, उसके लिए कोई लीगल फ्लॉ नहीं बनता कि हमें उनको नॉमिनेशन ना करें, क्योंकि हमारी जो नुमाइंदगी है जम्मू कश्मीर असेंबली में और ना ही पार्लियामेंट में है, हमारी आवाज़ आज तक 70 साल हो गए, 75 साल हो गए हमें इस जदोजहद की वजह से, आज तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ, ना ही हमारी प्रॉपर सेटलमेंट हुई, और ना ही जो हमें इस वक्त जो स्ट्यूट राइट दर्जा दिया जा रहा है उन लोगों को जो पहाड़ी एरिया में हैं, बेसिकली तो हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं, हमारा हक बनता है कि हमें भी उसी बिल में शामिल किया जाए शेड्यूल ट्राइब में, क्योंकि जो हमारा एरिया जो है हिली एरिया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इस वक्त है वो सारा पहाड़ी एरिया है, उसके मुताबिक हमें भी जो है इस वक्त शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में देकर हमें भी पहाड़ी दर्जा दिया जाए, हमारी भी सीटें सुरक्षित की जाएँ, क्योंकि आज आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है, पहले तो पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद असेंबली इलेक्शन है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारी भी नुमाइंदगी हो और हम भी डेमोक्रेटिक सेटअप में इस देश के बाशिंदे बने और डेमोक्रेसी का हम भी फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, हमारी इस वक्त पार्लियामेंट में बहुत समति है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त जिनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है, तो हम चाहते थे कि क्योंकि बहुत समति का इस वक्त पार्लियामेंट में, मोदी जी की पार्लियामेंट में इस वक्त बहुत समति बीजेपी जमात की है, तो हम चाहते हैं कि इस वक्त अगर हमारा काम ना बना तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि मोदी जी का जो नज़रिया है वो बड़ा ब्राड है, वो वसी पैमाने के उनकी सोच विचार है, वो चाहते हैं कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलें, लेकिन हमारे साथ जो वितकरा हो रहा है उसका हमने आज आपके सामने ये दर्शाना चाहते हैं कि भैया 74 साल हो गए, आज तक हमारी एक डिमांड भी पूरी नहीं हुई, 24.5 लाख जो हमारा अभी तक बकाया है, 5.5 लाख तो हमें मिला, 30 लाख का जो हमारा पैकेज था उसमें 5.5 लाख हमें जो वागजार किया गवर्नमेंट ने, अगर अभी 24.5 लाख हमारा बकाया है, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो वो भी हमारे लिए गवर्नमेंट इसको रिलीज करे, क्योंकि पिछली दफ़ा जब पार्लियामेंट इलेक्शन था तो मोदी जी ने बताया था अखनूर रैली में कि शरणार्थी 1947 के शरणार्थी भाइयों के लिए हमने 5.5 लाख रुपया जो है वो रिलीज़ किया है, और आने वाला जो है वो प्रोसेस अभी जारी है, उन्होंने खुद कहा था कि जो बकाया रकम है उसका प्रोसेस अभी जारी है, तो हम चाहते हैं मोदी जी को कि इलेक्शन आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले हमारे लिए कुछ अनाउंस करें ताकि